भारतीय रेल आपकी उम्मीदों की पटरी पर दिन रात 24 घंटे रहती है गतिमान, ताकि आपको मिले अपने सपनों की मंजिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजनरी लीडरशिप में हो रहे लगातार प्रयासों से भारतीय रेल अपनी गति, सुरक्षा, सुविधा और नए यात्रा अनुभवों से बदल रही है रेलवे की सूरत। साथियों, बीते 6 साल से भारतीय रेल को नए भारत की आकांक्षाओं और आत्मनिर्भर भारत की अपेक्षाओं के अनुरूप ढालने का प्रयास किया जा रहा है। आज रेल के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नई रफ्तार से उपज, उत्पाद और उद्यम को बाजार से और किसान, श्रमिक और व्यापारी को जोड़ रहे हैं समृद्धि से। तभी तो भारतीय रेल देश को एक के बाद एक सुविधाओं के स्टेशन पर पहुंचाती है। अगले शानदार स्टेशन पर आपका स्वागत है। ये है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के आसपास के जिलों से हर दिन कोलकाता आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण यहाँ की सड़कों पर दबाव और बढ़ता जा रहा है। इसी समस्या से निजात दिलाने हो रहा है कोलकाता मेट्रो के नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का विस्तार। अत्याधुनिक भूकंप निगरानी प्रणाली से लैस 4 किलोमीटर और 100 मीटर लंबा नोआपाड़ा दक्षिणेश्वर के बीच बना कॉरिडोर, जिसकी लागत है 464 करोड़ रुपए। इस कॉरिडोर के निर्माण से उत्तर पश्चिमी किनारे मेट्रो नेटवर्क से प्रभावी रूप से जुड़ जाएंगे। साथ ही उत्तर 24 परगना, हावड़ा, कोलकाता और शहर के दक्षिणी इलाकों के यात्रियों को मिलेगी प्रदूषण मुक्त, सुविधाजनक, किफायती और तेज यात्रा का लाभ। दक्षिणेश्वर से एस्प्लानेड 32 मिनट और कवि सुभाष से दक्षिणेश्वर की दूरी तय होगी सिर्फ 62 मिनट में। विश्व प्रसिद्ध काली मंदिर कालीघाट और दक्षिणेश्वर भी जुड़ेंगे मेट्रो से। हावड़ा वर्धमान मेन लाइन, कॉर्ड लाइन, हावड़ा कटवा लाइन और पूर्व रेलवे की तारकेश्वर ब्रांच के यात्री सिर्फ बाली ब्रिज को पार कर मेट्रो सुविधा का उठा पाएंगे लाभ। कुल मिलाकर प्रतिदिन लगभग 50,000 यात्रियों को इससे लाभ मिलने की है उम्मीद। पूर्व रेलवे के आजमगंज से खगड़ा घाट रोड रेल लाइन का दोहरीकरण, लंबाई 14 किलोमीटर और 600 मीटर, लागत 239 करोड़ 38 लाख रुपए। दानकुनी और बारुई पाड़ा के बीच चौथी लाइन, लंबाई 11 किलोमीटर और 280 मीटर, लागत 195 करोड़ रुपए। रसूलपुर और मगरा के बीच तीसरी लाइन, लंबाई 42 किलोमीटर और 420 मीटर, लागत 759 करोड़ 3 लाख रुपए। इन लाइनों के शुरू हो जाने से इस रूट पर माल ढुलाई को बढ़ावा मिलेगा, भीड़ कम होगी और सब अर्बन सेक्शन में ट्रेनों की बढ़ेगी आवाजाही। दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर आदित्यपुर तीसरी लाइन प्रोजेक्ट के कलाईकुंडा झाड़ग्राम खंड के 30 किलोमीटर लाइन का पूरा हो चुका है निर्माण। साथ ही कलाईकुंडा और झाड़ग्राम के बीच के 4 स्टेशनों का मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के नवीनीकरण के साथ साथ नए स्टेशन भवन, नए फुटओवर ब्रिज और नए प्लेटफॉर्म का हुआ है निर्माण और पुनर्विकास। इस लाइन के शुरू हो जाने से खड़गपुर टाटानगर सेक्शन में गाड़ियों की गतिशीलता के सुधार में मिलेगी मदद और हावड़ा मुंबई ट्रंक मार्ग पर यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों की निर्बाध आवाजाही होगी सुनिश्चित। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजमगंज से खगड़ा घाट रोड स्टेशन रेल लाइन के दोहरीकरण, दानकुनी और बारुई पाड़ा के बीच चौथी लाइन, रसूलपुर और मगरा के बीच तीसरी लाइन को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। साथ ही अपने करकमलों से कर रहे हैं उद्घाटन कलाईकुंडा झाड़ग्राम खंड और नोआपाड़ा दक्षिणेश्वर के बीच नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के विस्तार का। आइए बढ़ाएं भारत की जीवन रेखा की शान, भारतीय रेल। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से सादर एवं सविनय अनुरोध करता हूं कि इन सभी परियोजनाओं को रिमोट के द्वारा ई पट्टिका का अनावरण करके राष्ट्र को समर्पित करें।
आजिमगंज खागरा घाट रोड के बीच दोहरीकृत रेलवे लाइन, दानकुनी बारुई पारा के बीच चौथी लाइन, रसूलपुर मोगरा के बीच तीसरी लाइन, तीनों ही राष्ट्र को समर्पित। कलाईकुंडा झाग्राम के बीच तीसरी लाइन का भी शुभारंभ। नुआपारा दक्षिणेश्वर के बीच नवनिर्मित मेट्रो सुविधा का भी शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा। ये सभी परियोजनाएं पश्चिम बंगाल की जनता के आवागमन को सुगम बनाएंगी और साथ ही व्यापार और व्यावसायिक गतिविधियों को भी गति प्रदान करेंगी। अब पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री से मैं सबने निवेदन करता हूँ कि वो हरी झंडी दिखाकर नई मेट्रो ट्रेन सर्विस का शुभारम्भ करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई और इसी के साथ दक्षिणेश्वर से नई मेट्रो ट्रेन की प्रथम यात्रा का शुभारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे सबसे जनप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो देश ही नहीं वरन विश्व पटल पर भी अपने दूरदर्शी व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं एवं जिनको सुनना अपने आप में एक अविस्मरणीय अनुभव है, उनसे मैं सादर निवेदन करता हूं कि वो हम सभी को संबोधित करें। पश्चिम बंगाल के गवर्नर श्रीमान जगदीप धनखड़ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री पीयूष गोयल जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री बाबुल सुप्रियो जी, यहाँ उपस्थित अन्य महानुभाव देवी और सज्जनों, आप सभी को पश्चिम बंगाल में रेल और मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए उसके विस्तार के लिए बहुत बहुत बधाई। आज जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और उद्घाटन किया गया है उससे हुगली सहित अनेक जिलों के लाखों लोगों का जीवन आसान होने वाला है। साथियों, हमारे देश में ट्रांसपोर्ट के माध्यम जितने बेहतर होंगे, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का हमारा संकल्प उतना ही सशक्त होगा। मुझे खुशी है कि कोलकाता के अलावा हुगली, हावड़ा और उत्तरी 24 परगना जिले के साथियों को अब मेट्रो सेवा की सुविधा का लाभ मिल रहा है। आज नावोपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक जिस खंड का उद्घाटन किया गया है, इससे 1.5 घंटे की दूरी सिर्फ 25-35 मिनट के बीच में सिमट जाएगी। दक्षिणेश्वर से कोलकाता के कवि सुभाष या न्यू गड़िया तक मेट्रो से अब सिर्फ 1 घंटे में पहुंचना संभव हो पाएगा, जबकि सड़क से ये दूरी 2.5 घंटे की है। इस सुविधा से स्कूल कॉलेज जाने वाले युवाओं को, दफ्तरों फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों को, श्रमिकों को बहुत लाभ होगा। विशेष तौर पर इंडियन स्टेटिकल इंस्टीट्यूट बारानगर कैंपस, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय और कोलकाता विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग
वहां तक पहुंचने में अब आसानी होगी। यही नहीं, कालीघाट और दक्षिणेश्वर में मां काली के मंदिरों तक पहुंचना भी अब श्रद्धालुओं के लिए बहुत आसान हो गया है। साथियों, कोलकाता मेट्रो को तो दशकों पहले ही देश की पहलो मेट्रो होने के गौरव प्राप्त हुआ था, लेकिन इस मेट्रो का आधुनिक अवतार और विस्तार बीते वर्षों में ही होना शुरू हुआ है। और मुझे खुशी है कि मेट्रो हो या रेलवे सिस्टम, आज भारत में जो भी निर्माण हो रहा है उसमें मेड इन इंडिया की छाप स्पष्ट दिख रही है। ट्रैक बिछाने से लेकर रेलगाड़ियों के आधुनिक इंजन और आधुनिक डिब्बों तक बड़ी मात्रा में उपयोग होने वाला सामान और टेक्नोलॉजी अब भारत की अपनी है। इससे हमारे काम की स्पीड भी बढ़ी है, क्वालिटी भी सुधरी है, लागत भी कमी आई है और ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ती जा रही है। साथियों, पश्चिम बंगाल देश की आत्मनिर्भरता का एक अहम केंद्र रहा है और यहां से नॉर्थ ईस्ट लेकर हमारे पड़ोसी देशों के साथ व्यापार कारोबार की असीम संभावनाएं हैं। इसी को देखते हुए बीते सालों में यहां के रेल नेटवर्क को सशक्त करने का गंभीरता से प्रयास किया जा रहा है। अब जैसे सीवोक रेंगपो नई लाइन, सिक्किम राज्य को रेल नेटवर्क की सहायता से पहली बार पश्चिम बंगाल के साथ जोड़ने वाली है। कोलकाता से बांग्लादेश के लिए गाड़ियां चल रही है। हाल ही में हल्दीबाड़ी से भारत बांग्लादेश सीमा तक लाइन चालू की गई है। बीते 6 सालों के दौरान पश्चिम बंगाल में अनेकों ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का काम शुरू किया गया है। साथियों, आज जिन 4 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और लोकार्पण हुआ है उससे यहां का रेल नेटवर्क और सशक्त होगा। इस तीसरी लाइन के शुरू होने से खड़गपुर आदित्यपुर खंड में रेल की आवाजाही बहुत ही सुधरेगी और हावड़ा मुंबई रूट पर ट्रेनों में होने वाली देरी कम कर पाएंगे। आजिमगंज से खागड़ाघाट रोड के बीच दोहरी लाइन की सुविधा मिलने से मुर्शिदाबाद जिले के व्यस्त रेल नेटवर्क है उसको भी राहत मिलेगी। इस रूट से कोलकाता न्यू जलपाईगुड़ी गुवाहाटी, इसके लिए वैकल्पिक मार्ग भी मिलेगा और नॉर्थ ईस्ट तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी। डानकुनी बारहवींपाड़ा, इसके भी 4थी लाइन का प्रोजेक्ट तो वैसे भी बहुत अहम है। इसके तैयार होने से हुगली के व्यस्त नेटवर्क पर बोझ कम होगा। इसी तरह रसूलपुर और मगरा का सेक्शन कोलकाता का एक प्रकार से गेटवे है, लेकिन बहुत ही ज्यादा भीड़भाड़ वाला है। नई लाइन शुरू होने से इस समस्या में भी काफी हद तक राहत मिलेगी। साथियों, ये तमाम प्रोजेक्ट्स पश्चिम बंगाल को उन इलाकों से भी जोड़ रहे हैं जहां कोल इंडस्ट्री है, स्टील उद्योग है, जहां फर्टिलाइजर तैयार होता है, अनाज पैदा होता है। यानी इन नई रेल लाइनों से जीवन तो आसान होगा ही, उद्यम के लिए भी नए विकल्प मिलेंगे और यही तो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का लक्ष्य होता है। यही तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। यही तो आत्मनिर्भर भारत का भी अंतिम लक्ष्य है। इसी लक्ष्य के लिए हम सभी काम करते रहे हैं। इसी कामना के साथ मैं पीयूष जी को, उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं
और पश्चिम बंगाल की रेल क्षेत्र में, रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से जो कमियां रह गई है उन कमियों को पूरा करने का हमने बीड़ा उठाया है, उसको हम पर अवश्य पूरा करेंगे और बंगाल के सपनों को भी पूरा करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से सादर धन्यवाद सर, आपके बहुमूल्य